चलिए बाइनोमियल थ्योरम में नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेटेस्ट टर्म एंड ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की। ग्रेटेस्ट टर्म या ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का मतलब क्या है पहले हम वो समझें, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म या न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का मीनिंग समझें, इसका पहले हम मेथड समझेंगे। मेथड के साथ साथ इसमें एक शॉर्ट ट्रिक्स है वो भी बताऊँगा। हर जगह हमको क्या होता है, दो अप्रोच होती है पढ़ने की हमारी, एक कि हम पहले लॉजिक से करें, मेथड से करें, और फिर उसके बाद उसकी ट्रिक से करें। सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट टर्म के बाद की बात करें, उसके पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा। सपोज मैंने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं a और b वन है, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट टर्म या ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या है, टू। सपोज मैं आपसे बोलूँ a प्लस बी का होल क्यूब करिए, तो आप क्या कहेंगे, a क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस ऑफ बी क्यूब, राइट। अभी थोड़ी देर के लिए मानते हो चलते हैं कि ए एंड बी इक्वल है और वन के इक्वल है मान लीजिए, तो यहाँ पर ये देखिए ये भी थ्री ये भी थ्री, यानी दो ग्रेटेस्ट टर्म। तो वैसे कई बार ए और बी पे भी डिपेंड करेगा ग्रेटेस्ट टर्म, ग्रेटेस्ट वैल्यू, बट अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ सिंगल है, इवन पावर थी, यहाँ पर ऑड पावर है टू है। अगर मैं आपसे बोलूँ ए प्लस बी की होल पावर फोर करिए, तो आप बोलते ए फोर फोर ए क्यूब बी सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस फोर ए बी क्यू प्लस बी पावर फोर। देन अगेन यहाँ पर देखें तो ए की ग्रेटेस्ट टर्म है। अगर मैं बोलूँ ए प्लस बी की पावर फाइव करें, तो आप क्या बोलते हैं, ए पावर फाइव, फाइव टाइम्स ऑफ, ये समझाने के लिए ले रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ए और बी पे भी ग्रेटेस्ट टर्म डिपेंड करेंगे। ए पावर फाइव, फाइव टाइम्स ऑफ ए पावर फोर बी प्लस फाइव टेन ए क्यूब बी स्क्वायर, राइट, प्लस टेन ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस फाइव ए बी पावर फोर प्लस बी पावर फाइव। अगर यहाँ नोटिस लें तो यहाँ पर टू मिले, इसका मतलब एक बात समझ में आती है कि इन जनरल बोलें, नॉट ऑलवेज, इन जनरल बोलें तो इवन पावर पे एक ही ग्रेटेस्ट टर्म मिलता है और ऑड पावर पे हमें दो ग्रेटेस्ट टर्म मिलते हैं। उसका ये रीजन है कि इवन पावर पे हमें ऑड टर्म मिलते हैं, तो एक मिडिल जो टर्म है वो ग्रेटेस्ट हो गया, पर ऑलवेज ऐसा नहीं होगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि ग्रेटेस्ट टर्म या न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब होता है वो ए और बी की वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा, पर ये एक समझाने के लिए मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर पावर देखिए थ्री है, तो आपको टू ग्रेटेस्ट टर्म मिलना है, पावर फोर है अगेन वन मिला, पावर फाइव है अगेन टू मिला। इसका मतलब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कई बार टू भी हो सकते हैं और कई बार वन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरह का क्वेश्चन है, राइट। एक चीज़ अच्छा, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का मतलब क्या है, जब हम ए प्लस बी की होल पावर एन लिखते हैं तो हमें मिलता है क्या, एन सी जीरो। अभी हमें कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी भी पढ़ना है, ए पावर एन प्लस एन सी वन ए पावर एन माइनस वन इंटू बी प्लस एन सी टू ए पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर एन सी थ्री ए पावर एन माइनस थ्री बी क्यूब अप टू एन सी एन बी पावर एन। अब अगर मैं इसमें बोलूं कि ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या होगा, तो ये डिपेंड करेगा एन पे। इफ एन इज इवन, एन अगर इवन है तो सिंपल हुआ कि ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एन सी एन बाय टू इफ एन इज इवन, राइट। और सपोज एन ऑड होता तो हम ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या बोलते, एन सी एन माइनस वन बाय टू और एन सी एन प्लस वन बाय टू। यहाँ पर अगर हम लॉजिक से समझें, मैं अगर इसको ओपन करता तो ऐसा लिखता टू सी जीरो प्लस टू सी वन ए बी आता ए बी प्लस टू सी टू ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ये मिला मिडिल टर्म अगर एन इवन था, अगर यहाँ पे देखूँ तो ये थ्री सी वन है और थ्री सी टू है, दोनों मिलेंगे। यहाँ पर देखूँ तो फोर पावर है तो फोर सी टू, राइट, फोर सी टू। अगर मैं यहाँ पर देखूँ फाइव पावर है तो फाइव सी टू, वो सॉरी फाइव सी थ्री, फाइव रखा यहाँ पर, फाइव माइनस वन बाय टू, राइट, तो फाइव सी टू एंड फाइव सी थ्री हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर देखें आगे सिक्स होगा तो एन सिक्स सी थ्री, अगर सेवन होगा तो सिक्स सी सेवन माइनस वन सिक्स बाय टू सिक्सटी थ्री एंड सिक्सटी फोर। इस तरह से हम न्यूमेरिकली
मतलब ग्रेटेस्ट कोफिशियंट भी निकाल सकते हैं। अब हम इसका एक कंसेप्ट समझते हैं कि ग्रेटेस्ट टर्म निकालेंगे कैसे। ग्रेटेस्ट टर्म निकालने का पहले हम जनरल कंसेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद इसके मेथड पाएंगे। नंबर वन, जब भी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बोलते हैं इसका मतलब हम पॉजिटिव वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं। अगर निगेटिव आंसर आए तो उसका निगेटिव साइन इग्नोर करना होता है, राइट। तो जब हम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म वर्ड यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सपोज a प्लस एक्स टू दी पावर n है। अब मैंने आपको बोला कि कई बार न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म 1 भी हो सकता है और कई बार 2 भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। तो यहां पर हमने मान लिया कि लेट टी आर प्लस 1 टर्म इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने ये कंसिडर किया है कि टी आर प्लस 1 टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, इसका मतलब इसकी वैल्यू इसके प्रीवियस टर्म से ज़्यादा होगी। पर अभी मैंने जो फॉर्मूले बताए थे, हो सकता है समटाइम इक्वल हो या फिर इसके नेक्स्ट टर्म से भी ज़्यादा या इक्वल होगी। ये कंसेप्ट कई बार बहुत सारे क्वेश्चन में काम आ सकता है, स्पेशली फॉर IIT एडवांस। अब अभी फॉर्मूला बनाने के लिए तो इतना ही बहुत है। तो अब मुझे क्या करना है कि मैंने बोला अगर न्यूमेरिकली टी आर प्लस वन टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, मीन्स टी आर प्लस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी आर, और ऐसा भी बोल सकते हैं टी आर प्लस वन अपॉन टी आर ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ये सारी क्वांटिटी, ये सारी बातें हम मॉड के अंदर ही मानते हुए करते हैं क्योंकि वर्ड न्यूमेरिकली यूज़ करते हैं। अब अगर मैं बोलूँ कि टी आर प्लस वन लिखें आप, तो आप बोलते एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर अपॉन एन सी आर माइनस वन ए पावर एन माइनस आर प्लस वन इंटू बी पावर आर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब मैं सॉल्व करूं तो ये हमने प्रीवियस क्लास में ही सॉल्व किया था, एन सी आर अपॉन एन सी एन माइनस सॉरी आर माइनस वन इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। तो इसका मतलब ये हो गया n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर इंटू, यहाँ पर एक b बचेगा यहाँ पर a बचेगा, तो मैं हमेशा आपको बोलूँगा n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर इंटू सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, और ये मॉड होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, साइन नहीं लेते, राइट। n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर इंटू b by a greater than equal to 1। एक तरीका तो ये हुआ कि आप इससे r की वैल्यू निकालें और r की वैल्यू के ऊपर ग्रेटेस्ट टर्म डिपेंड करेगा। अब सपोज मान लीजिए कि आपने सॉल्व करके निकाला, और थोड़ी देर के लिए हम अभी एक एग्जांपल लें कि r की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6 आई। दो पॉसिबिलिटी हैं, और हो सकता है r की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6.5। तो अगर r इंटीजर हो तो इस समय दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मिलेंगे, याद रखिए टू ग्रेटेस्ट टर्म मिलेंगे। r अगर 6 है मान लीजिए तो r की वैल्यू 6 और 5 लेंगे, पर r अगर फ्रैक्शन में है तो हम r की a की वैल्यू कंसीडर करेंगे। इसका मतलब जब इस इनइक्वलिटीज़ को आप सॉल्व करेंगे तो अगर इनइक्वलिटीज़ की वैल्यू इंटीजर है, मान लीजिए वो m है, तो इस समय r की वैल्यू m और m माइनस वन मीन्स टू ग्रेटेस्ट टर्म होंगे, और इफ ये आर इंटीजर की बात कर रहे हैं, आर इंटीजर एम बिलोंग टू इंटीजर, और मान लो एम डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, एम इंटीजर नहीं है, तो सिंपल बात है कि एम की इंटीग्रल वैल्यू लेंगे, राइट। मींस अगर आर में, इसलिए एग्जांपल में बोल रहा हूँ कि आर मान लो 7 है तो टू वैल्यू हो गई 7 और 6, पर आर 7.9 है तो आर की एक ही वैल्यू लेंगे 7। सपोज r 8 है, r लेस देन इक्वल टू 8 है तो r की टू वैल्यू होंगी 8 एंड 7, पर r 8.5 है तो फिर केवल 8। ये तो हुआ प्रॉपर मेथड। अब इतना नहीं करना है तो इसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट तरीका भी है, वो भी मैं बता देता हूँ कि जो मैंने ये m लिखा है आप वो निकाल सकते हैं डायरेक्टली, आप वो भी याद रख लो। और क्वेश्चंस हम एक बार इस मेथड से भी करेंगे, डायरेक्ट भी करेंगे, और उसके बाद आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उस मेथड को यूज करिएगा। अब जो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन को 1 प्लस एक्स के टर्म में ही बनाएं,
राइट, वन प्लस एक्स के टर्म में बनाए, मतलब जैसे अगर मान लो क्वेश्चन यही होता तो आप पहले a कॉमन लेते, a पावर n बाहर आता, वन प्लस एक्स बाय ए टू दी पावर n, यानी मैं आपको जो ग्रेटेस्ट टर्म का फॉर्मूला बता रहा हूँ डायरेक्टली, उसमें ये नेसेसरी कंडीशन हुई। आप वैसे किसी भी मेथड से करो, क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होता है, उसमें एक नेसेसरी कंडीशन ये लग गई कि वन प्लस एक्स टू दी पावर n होना चाहिए। हाउ टू फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स पावर n, इसमें ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालेंगे? तो सिंपल, m इक्वल टू मॉड x इंटू एन प्लस वन अपॉन मॉड x प्लस वन। यहाँ पर दो बातें आती हैं फिर से। कंडीशन नंबर वन कि इफ m इज इंटीजर, मान लो m इंटीजर है तो इस समय m की टू वैल्यू होंगी, m माइनस वन। इफ m इज नॉट इंटीजर, मान लो m इंटीजर नहीं है तो इंटीग्रल पार्ट इज कॉल्ड m, यानी जो m की इंटीग्रल वैल्यू होगी वो हम बोलेंगे m होगा। मान लीजिए कि ये सॉल्व होके 6 आया तो 6 और 5 10 आया, 10 और 9 4 आया, 4 एंड 3 2 आया, 2 एंड 1, पर अगर 6.5 आया तो ओनली 6, 6.9 आया तो ओनली 6, 8.3 आया तो ओनली 8। तो हम क्वेश्चन से करते हैं तो अब हमारे लिए न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के दो कॉन्सेप्ट होगा, एक ये डायरेक्ट फार्मूला, एक हम बोलेंगे n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर इंटू सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। क्वेश्चन से एग्जाम से आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। हमें सबसे पहले r पता करना होता है, r पता करने से हम उस पर्टिकुलर टर्म पे चले जाते हैं, राइट। यहाँ से हमें वो वैल्यू मिलती है। एक्चुअल में हमें यहाँ पर एक तरह से समझ लीजिए, ये m की जगह हम इसे r भी बोल सकते हैं, ये हमें r मिल जाता है डायरेक्टली, और यहाँ रख के हम वो पर्टिकुलर टर्म बता पाते हैं। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं तो ये दोनों लॉजिक से मैं आपको क्वेश्चन का अप्रोच डेवलप करता हूँ, राइट डाउन। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से और कंसेप्ट क्लियर होंगे। क्या क्वेश्चन है देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 4 प्लस 2x पावर 49 व्हेन x इक्वल टू 1/3। अब इसको हम दोनों तरीके से करते हैं। अब हमसे केवल लार्जेस्ट टर्म पूछा है कि कौन सा पर्टिकुलर टर्म लार्जेस्ट टर्म होगा। अगर सपोज मैं पहले a प्लस बी वाली पावर n से करूं तो लेट टी आर प्लस वन टर्म इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, और मैंने इसका भी आपको फॉर्मूला बताया, आप डायरेक्टली यूज करें। याद रखिए n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर इंटू सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, राइट। ए प्लस बी की पावर n का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसमें था सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब यहाँ पर अगर देखें तो n 49 है, 49 माइनस आर प्लस वन अपॉन आर इंटू सेकेंड टर्म इज 2x बाय 4, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट। ये हो गया 50 माइनस आर बाय आर इंटू 1/2, और x की अगर रख दिया 1/3 तो ओवरऑल 1/6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये मुझे मिलेगा 50 माइनस आर ग्रेटर देन इक्वल टू 6r इन 7r लेस देन इक्वल टू 50, मीन्स r लेस देन इक्वल टू 50/7, r की वैल्यू आई 7 point something। जब r फ्रैक्शन में आया तो मैंने आपको बोला था a की वैल्यू लेनी है केवल 7। क्यों a की वैल्यू लेनी है? क्योंकि r कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो इस केस में हमें a की ग्रेटेस्ट टर्म मिलेगा और वो ग्रेटेस्ट टर्म होगा 7 + 1, दिस इज 8, राइट। अब आपसे क्योंकि नॉर्मली अगर हम इसका एट टर्म निकालने की कोशिश करेंगे तो 49c7 बहुत बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, 4 की पावर 42, तो अक्सर इसमें आपसे केवल वो पर्टिकुलर टर्म पूछते हैं। तो अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं एट टर्म इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। अब एक अप्रोच तो ये हुआ कि हम मेथड से करें एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर इंटू सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म ए प्लस बी होल पावर एन के लिए ये डायरेक्ट फार्मूला है। सेकेंड अप्रोच, वन प्लस एक्स की पावर एन का अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालना तो मैंने आपको बताया था मॉड एक्स एन प्लस वन अपॉन मॉड एक्स प्लस वन, दिस इज आर। इससे भी हम निकाल सकते हैं बट इसमें कंडीशन लग गई कि वन प्लस एक्स की पावर होना जरूरी है। तो अब इसमें से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो 4 कॉमन लिया, 4 पावर 49 बाहर आया, 1 + 2x/2 मिलेगा 2 दी पावर 49। अब मुझे अगर इसमें ग्रेटेस्ट टर्म बताना होता तो मैं बोलता मॉड एक्स एक्स बाय टू, पहले लिख लेते हैं
एन प्लस वन अपॉन एक्स बाय टू प्लस वन, एक्स की जगह अगर वन बाय थ्री रख दें तो ये मिला वन बाय सिक्स इंटू फिफ्टी अपॉन वन बाय सिक्स प्लस वन मीन्स फिफ्टी बाय सेवन। देखिए वही रिजल्ट है जो यहाँ पर आया था, 50/7 वही वहाँ पर डायरेक्ट आ गया। तो आर की वैल्यू आई 7 point something, इसका मतलब ग्रेटेस्ट टर्म इज 8 ग्रेटेस्ट टर्म। तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो ना इसमें टाइम लगेगा ना उसमें, इसमें आप कोई इनइक्वलिटी सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली मॉड एक्स इंटू एन प्लस वन अपॉन मॉड एक्स प्लस वन में रख के निकाल सकते हैं। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आर अगर फ्रैक्शन में आए तो इंटीग्रल पार्ट लेंगे, और आर अगर इंटीजर आए तो टू वैल्यू होंगी। सपोज ये 7 ही आता तो 7 और 6 आर की वैल्यू होती, इसका मतलब 8 और 7 टर्म ग्रेटेस्ट होता। पर यहाँ पर क्योंकि आर फ्रैक्शन में भी है तो इसका मतलब ये हुआ इसका इंटीग्रल पार्ट 7, तो इंटीग्रल पार्ट 7 तो ग्रेटेस्ट टर्म हुआ 8। राइट, राइट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 + 4x पावर 20 व्हेन एक्स इक्वल टू 1/2। इसमें भी वही लार्जेस्ट टर्म बताना है। अगर मुझे डायरेक्ट करना होता तो सबसे पहले मुझे 3 कॉमन लेना होगा, तो 3 / 20 बाहर 1 + 4/3x^20। राइट, और क्या फॉर्मूला होता है, एन सॉरी एक्स पहले लिखते हैं 4/3x एन प्लस वन अपॉन 4/3x + 1। राइट, एक्स की जगह 1/2 डाल देता मैं तो ये कैंसिल हो जाता, तो मुझे मिलता 2/3 = 21 अपॉन 2/3 + 1। 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया 42 अपॉन 3 + 2 = 5 मीन्स आर की वैल्यू आई 8 point something, इसका मतलब आर हुआ 8। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो गया 8 + 1 = 9। और अगर इसको मैं इनइक्वलिटी से कर रहा होता तो क्या होता, फिर मैं लिखता, डायरेक्ट लिखने की कोशिश करिए, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर इंटू सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। रिजल्ट वही रहता, ये हो गया 21 माइनस आर बाय आर इंटू एक्स की जगह रखा 1/2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 ग्रेटर देन इक्वल टू आर, 42 माइनस 2r ग्रेटर देन इक्वल टू 3r सॉरी 1 था, तो 5r लेस देन इक्वल टू 42। रिजल्ट अल्टीमेटली सॉल्व होके वही आएगा, तो यहाँ पर r की वैल्यू हुई लेस देन इक्वल टू 8 point something, 8.4 होती तो 8 point something 8, तो ये r आ गया 8, इसका मतलब ग्रेटेस्ट टर्म इज 9। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 + 5x/19 व्हेन एक्स इक्वल टू 1/5। क्या करेंगे, सिंपल आर इक्वल टू, अगर मुझे डायरेक्ट करना होता तो पहले मैं 2 / 19 कॉमन ले लेता, ये 2 / 19 कॉमन, तो 1 + 5/2x^19। अब मैं रखता तो आर इक्वल टू क्या होता बोलिए, आर इक्वल टू एन, पहले लिखते आप एक्स, 5/2x इंटू 19 + 1 अपॉन 5/2x इंटू प्लस 1, एक्स की जगह रखा 1/5, 5 से 5 कैंसिल, ये हुआ 20, ये मिलता 1/2 इंटू 20, 1/2 + 1, मतलब लॉजिकली हम देखें तो 20/3, इसका मतलब आर की वैल्यू 6 point something, और आर की वैल्यू 6 point something, तो ग्रेटेस्ट टर्म इज 7। राइट, नोट करिए। अब आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो, एक अप्रोच ये हुई कि आप इस तरह से करें, एक अप्रोच कि आप इनइक्वलिटी से सॉल्व करें, जिससे भी कंफर्टेबल लगे आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 + x^23 व्हेन एक्स इक्वल टू 1/4। डायरेक्टली करना चाहें डायरेक्टली करें, 2 / 23 कॉमन लें पहले, 1 + x^2 = 23। आर इक्वल टू लिखते मैं एक्स बाय टू एन प्लस वन अपॉन एक्स बाय टू प्लस वन, एक्स की जगह रखा 1/4 तो ये 1/8 हो जाएगा, 1/8 इंटू 24, 1/8 प्लस वन मीन्स 24/9, इसका मतलब आर की यहाँ पर वैल्यू आ गई
टू पॉइंट समथिंग आर टू हुआ तो ग्रेटेस्ट टर्म यहाँ पर हुआ थर्ड टर्म। ये क्या क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 4x पावर 23 व्हेन x इक्वल टू 1 बाय 2। क्या करेंगे, सिंपली वही सेम अप्रोच, r इक्वल टू, अब यहाँ 1 ऑलरेडी है तो बनाने की जरूरत नहीं, 4x n प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, x की जगह 1 बाय 2 रखा तो 2 टाइम कैंसिल, तो 2 इंटू 24, 2 प्लस 1 इज 3। अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो ये 3 से कैंसिल, 8 टाइम मतलब 16। अब देखिए आर यहाँ पर इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया आर इंटीजर आ रहा है तो इसका मतलब आर की टू वैल्यू होंगी, एक 15 और एक 16। तो ग्रेटेस्ट टर्म क्या होंगे, यहाँ पर ग्रेटेस्ट टर्म होंगे 16 एंड 17। और अगर मैं इन्हें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बोल रहा हूँ तो डेफिनेटली जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा या इसकी, तो ओवरऑल वैल्यू सेम आएगी। तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि अगर r इंटीजर आए तो टू वैल्यू लेंगे, एक सेम नंबर और एक उससे कम, और अगर r इंटीजर की जगह फ्रैक्शन में आए तो उसका इंटीग्रल पार्ट लेंगे, राइट। पर जब टू वैल्यू मिलेंगी तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी वैल्यू अलग अलग होंगी, न्यूमेरिकली वो दोनों टर्म ग्रेटेस्ट टर्म होंगे, राइट डाउन।